केएल राहुल होने वाले हैं, ट्रेड होने वाली है आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेडिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1350वां एपिसोड। आज 23 अक्टूबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल की नीलामी हो, रिटेंशन हो, शेड्यूल हो, ऑक्शन हो, हर खबर हर रोज सबसे पहले आपको देते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे दोस्तों फटाफट हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते इस वीडियो की आज दिन भर की बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर केएल राहुल के हवाले से निकल कर आ रही है। कल केएल राहुल ने इंस्टाग्राम पर मुंबई इंडियंस की टीम को फॉलो कर लिया है लखनऊ सुपर जायंट्स के अलावा। अब इंस्टाग्राम पर दूसरी टीम बंबई बन गई है जिन्हें केएल राहुल फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, रिटेंशन की प्रक्रिया मात्र 7-8 दिन दूर है और यह प्रक्रिया होना बताता है कि देयर इज अ टॉक बिटवीन केएल राहुल एंड मुंबई इंडियंस की टीम। जरूर कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है दोनों के बीच। क्या बातचीत चल रही है, सोर्सेस क्या कह रहे हैं, इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी रिपोर्ट यही है दोस्तों कि वो जो हम बोल रहे थे ना कि लखनऊ सुपर जायंट्स में ही वो रिटेन होंगे और लखनऊ के मालिकों ने भी कह दिया था कि केएल राहुल इज अ फैमिली, वो सिर्फ एक दिखावा था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अचानक से केएल राहुल शायद ऐसा नहीं करते, और अचानक से नहीं भी हुआ हो लेकिन जो सोर्सेस बोल रहे हैं ना वो सचमुच आपका दिमाग हिला देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की आपसे बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट है ट्रेडिंग से जुड़ी हुई, केएल राहुल और आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेडिंग हो सकती है मुंबई इंडियंस के बीच। इस ट्रेडिंग में रोहित शर्मा और लखनऊ की टीम भी इन्वॉल्व रह सकती है। बड़े सोर्सेस के हवाले से सबसे पहले सबसे बड़ी रिपोर्ट है, क्या खबर है, कैसे होगी ये ट्रेडिंग और क्यों, लास्ट ईयर का एग्जाम्पल उदाहरण दिया जा रहा है, सब बताऊंगा। दरअसल दोस्तों लास्ट ईयर क्या हुआ था, आपने देखा होगा कि हार्दिक पांड्या बड़े प्लेयर थे, रिटेंशन से पहले की ट्रेडिंग करने के लिए मुंबई इंडियंस भी रेडी नहीं हो रही थी। क्योंकि बड़े प्लेयर की अगर रिटेंशन से पहले ट्रेडिंग होती है तो बाकी टीमें ऑब्जेक्शन उठा सकती हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, और रिटेंशन की प्रक्रिया में आपको पता भी नहीं होता कि आप कौन से खिलाड़ी को कितने में रिटेन कर पाओगे और कैसे रिटेन कर पाओगे। ऐसी स्थिति में रिटेंशन के बाद ट्रेडिंग होती है। लास्ट ईयर हमने देखा था कि गुजरात टाइटंस की टीम ने हार्दिक पांड्या को पहले रिटेन किया था, रिटेंशन की प्रक्रिया खत्म होने के 1-2 घंटे के अंदर में जो है ट्रेडिंग हो गई थी और गुजरात टाइटंस से जो ट्रेड कर हमारे हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में आ गए थे। वैसा ही कुछ इस बार हो सकता है, मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो रोहित शर्मा को रिटेन कर लेगी रिटेंशन की प्रक्रिया में, तो वही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम केएल राहुल को रिटेंशन की प्रक्रिया में रिटेन कर लेगी। रिटेंशन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद ट्रेडिंग हो जाएगी जिसमें केएल राहुल मुंबई में चले जाएंगे और रोहित शर्मा लखनऊ में चले जाएंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों होगा, इसके कई सारे रीजन है। पहला बड़ा रीजन, रोहित शर्मा के लिए ट्रेडिंग एक बेस्ट विकल्प होने वाला है, ऑक्शन से भी अच्छा विकल्प होने वाला है, जिसका कारण मैं अगली वीडियो में कल बताऊंगा। बहुत बड़ी रिपोर्ट वहां भी निकल के आई है। दूसरी बड़ी चीज, रोहित शर्मा के अलावा केएल राहुल के लिए भी मुंबई में जाना इजी विकल्प है, ऑलरेडी वो फॉलो कर चुके हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स में ऑलरेडी जो चल रहा है उससे वो खुश नहीं है। लास्ट ईयर हमने देखा उनकी कप्तानी पर सवाल उठा। तीसरी बड़ी चीज, चारों पार्टीज रेडी है, क्योंकि मुंबई इंडियंस भी रेडी है, मुंबई को भी हमने पिछले साल देख लिया अब रोहित से लगाव नहीं है, लखनऊ भी रेडी है क्योंकि लखनऊ को तो रोहित शर्मा चाहिए ही चाहिए, दैट्स व्हाई उन्होंने उनके दोस्त ज़हीर खान को लेकर आए थे। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों चारों पार्टीज ज्यादातर चांसेस में इस ट्रेडिंग पर रेडी है, एंड दैट्स व्हाई ये ट्रेडिंग हो सकती है। अब आप लोग बोलेंगे यार रोहित शर्मा तो ऑक्शन में जा सकते हैं ना। तीसरी बड़ी रिपोर्ट सुन लो, अगर मैं ऑक्शन की बात करूं तो दोस्तों ऑक्शन गुड ऑप्शन नहीं है रोहित शर्मा के लिए भी, केएल राहुल के लिए। केएल राहुल को क्या भाव मिलेगा केएल राहुल को नहीं पता, रोहित शर्मा को अच्छा भाव मिल जाएगा लेकिन क्या टीम मिलेगी ये रोहित शर्मा को नहीं पता। दरअसल दोस्तों रोहित शर्मा इस समय थोड़े से रिस्की नहीं होना चाहते, रोहित शर्मा इस समय ऑक्शन को विकल्प नहीं देखना चाहते। वो क्यों, वो इसलिए दोस्तों कि रोहित शर्मा मुंबई को अगर छोड़ेंगे तो वो सिर्फ इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि पैसे की बात ही नहीं है, उन्हें वो पद, वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ नहीं मिली जो वो डिजर्व करते थे लास्ट ईयर उन्हें कप्तानी से जिस तरह से हटाया गया, वो नाराज थे तो उन्हें क्योंकि वो पद और रिस्पेक्ट नहीं मिला टीम में, दैट्स वाई वो मुंबई को छोड़ेंगे। पैसे तो एक इंस्टाग्राम पोस्ट डालकर रोहित शर्मा 10 करोड़ बना लेंगे, दैट्स वाई पैसों की कोई बात नहीं। अगर नीलामी में यहां से रोहित शर्मा गए और मान लो पंजाब ने उनको खरीद लिया, पंजाब के पास भी बड़ा बजट रहेगा, पंजाब भी बड़ा पैसा लेकर आ रही है, तो भैया पंजाब रोहित शर्मा के लिए बड़ी रिस्की टीम हो जाएगी और पंजाब में उन्हें क्या पद, क्या रिस्पेक्ट, कितने दिनों तक मिलेगी, ये बहुत डेंजरस हो जाएगा उनके लिए। बिकॉज हमने पंजाब का इतिहास देखा है, यहाँ पर पंजाब की टीम में पिछले 15-17 साल के आईपीएल इतिहास में कितने कप्तान बदले गए हैं वो हम सब ने देखा। एक ज़माने में अपने बहुत टॉप पर रहे वीरेंद्र सहवाग को भी इनके मालिकों ने बीच मैदान में हड़का दिया था। एंड दैट्स वाई दोस्तों
रोहित के लिए अगर पद और रिस्पेक्ट की बात करें तो वो लखनऊ की टीम में मिल सकता है जहां पर मेंटोर के रूप में उनके दोस्त जहीर खान बैठे हुए हैं। एंड दैट्स व्हाई पैसों को अगर वो थोड़ा साइड में रख दे, 30 करोड़ की जगह 18 या 20 करोड़ में मान जाए, तो ट्रेडिंग उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। केएल के लिए तो है ही, क्योंकि केएल राहुल को तो नीलामी में शायद उतना भाव वैसे ही नहीं मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों ऑक्शन भी ऑप्शन है, लेकिन ऑक्शन उतना अच्छा विकल्प नहीं है केएल के लिए भी, रोहित के लिए भी, बंबई के लिए भी, लखनऊ के लिए भी। तो ट्रेडिंग इज अ गुड ऑप्शन, बाकी जो होगा वो अगली वीडियोस में बता देंगे आपको। चैनल के साथ जुड़े रहिए, आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। राशिद खान को लेकर बड़ी रिपोर्ट है, राशिद खान 14 करोड़ के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट यह है कि वो 18 करोड़ रुपए चाहते हैं, जितना शुभमन गिल को मिल रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि फर्स्ट रिटेंशन शुभमन गिल को देने की पूरी तैयारी गुजरात कर चुकी है 18 करोड़ में। शुभमन गिल कोई हाइक नहीं मान गए, लेकिन नंबर दो पर रिटेन हो रहा है राशिद खान, जो 14 करोड़ में होंगे। राशिद खान का कहना यह है कि उनकी वैल्यू, उनकी स्थिति आज की डेट में शुभमन गिल जैसी या उससे बेहतर है इंटरनेशनल क्रिकेट में, एंड दैट्स व्हाई वो डिजर्व करते हैं 18 करोड़। मेरे हिसाब से डिजर्व करते हैं राशिद खान, कि जिस तरह की गेंदबाजी वो देते हैं हर सीजन में, वैसी बहुत कम खिलाड़ी कंसिस्टेंटली डिलीवर कर पाते हैं। और दुनिया का बड़ा स्पिनर है, बड़ा नाम है, और आईपीएल में स्पिन का काफी फायदा होता है, हर टीम को होता है। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों राशिद खान की डिमांड जायज है, और अगर ये डिमांड नहीं मानी गई तो फिर राशिद भी बोलेंगे मुझे नीलामी में जाना है। कुछ रिपोर्ट आ रही है कि वो भी नीलामी में जाने की बोल रहे हैं। शामी का जाना तो कंफर्म है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। पांचवी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं, तो भैया ये रिपोर्ट मयंक यादव और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। मयंक यादव को 14 करोड़ रुपए का रिटेंशन मिल सकता है। रिपोर्ट यह है कि अगर केएल राहुल की नीलामी या ट्रेडिंग हो जाती है, अगर सब कुछ सही जाता है, मुंबई इंडियंस और लखनऊ के बीच ट्रेडिंग की प्रक्रिया जम जाती है, और रिटेंशन में फिर केएल राहुल को रिटेंशन मिलेगा 18 या 20 करोड़ रुपए का, और फिर मयंक यादव को 14 करोड़ का रिटेंशन मिलेगा। आपको मैंने पहले ही बताया रिटेंशन में तो केएल राहुल रिटेन हो जाएंगे, बाद में ट्रेड होंगे शायद अगले दिन या अगले घंटे में, लेकिन हाँ जब रिटेंशन की प्रक्रिया होगी दम मयंक यादव को लेकर बड़ी रिपोर्ट यही है कि 14 करोड़ में वो रिटेन हो सकते हैं। तो पिछली बार जिनको कोई नहीं जानता था, एक साल के अंदर में ये आईपीएल का ही जादू है, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बाकी आप भी बताओ ट्रेडिंग होनी चाहिए, ऑक्शन होना चाहिए, रोहित के लिए क्या सही है क्या गलत है, अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। चलो छठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। ये रिपोर्ट पार्थिव पटेल गुजरात टाइटन्स की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। खबर यह है कि पार्थिव पटेल दोस्तों गुजरात टाइटन्स की टीम को एज अ बैटिंग मेंटोर या किसी कोचिंग डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं। नेहरा स्टे कर रहे हैं तो नेहरा चेंज नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में गुजरात टाइटन्स के पास नेहरा भी रहेंगे, पार्थिव पटेल भी रहेंगे। पार्थिव पटेल गुजरात क्रिकेट से आते हैं और गुजरात क्रिकेट को अच्छे से समझते हैं। बाकी देखते हैं इस पर आगे क्या होता है, अभी तक तो हमने पार्थिव पटेल को सिर्फ कमेंट्री करते हुए देखा है, एंड अगर कोचिंग का रोल मिलता है तो वहां पर वो कितने सही साबित गलत साबित होंगे तो समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं साथी वीडियो रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। IPL रिटेंशन को लेकर मोहम्मद शमी ने एक बड़ी बात कह दी। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वो शायद मोहम्मद शमी रिटेन नहीं होंगे, उन्हें ऑप्शन देखनी पड़ेगी। अब रिपोर्ट ये है दोस्तों कि आई एम इंटरेस्टेड इन कैप्टनसी ऑफ एनी टीम इन, उन्होंने अपनी कप्तानी की भी दावेदारी पेश कर दी। उन्होंने बोल दिया अगर कोई भी टीम तैयार है तो मैं कप्तानी करने को भी रेडी हूँ। अब आज की डेट में अगर मैं टीमों को उठाकर देखूँ तो शायद वो पंजाब एक ऐसी टीम है जिसको एक नए कप्तान की आवश्यकता है, वो स्टीव स्मिथ की तरफ देख रहे होंगे। क्या शमी की तरफ देखेंगे? आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी वो कप्तानी का विकल्प नहीं बन सकते, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। गेंदबाजी में वन ऑफ द बेस्ट है, और मुझे लगता है दोस्तों शमी को भी ये कप्तानी के फड्डे नहीं लेने चाहिए भाई, क्योंकि क्या है ना, आप अगर इतना प्रेशर ले लेते हो तो वो आपकी गेंदबाजी में झलकता है और आप फिर एज ए बॉलर परफॉर्म नहीं कर पाते हो। अभी एज ए बॉलर शमी आईपीएल में वन ऑफ द टॉप 5 या टॉप 3 में उनका नाम आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है भाई आराम से खेलो और गेंदबाजी से बैंड बजाओ। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे बढ़ते हैं आठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। डेविड वार्नर को लेकर रिपोर्ट है दोस्तों, डेविड वार्नर ने एक बड़ा प्रपोजल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले रख दिया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सामने। रिटायरमेंट छोड़ने की बात वो कह रहे हैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल। उन्होंने कह दिया मैं रिटायरमेंट छोड़कर आ जाऊंगा अगर भारत के खिलाफ मुझे खेलने का मौका मिलेगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नवंबर के एंड से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर भारत एक बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है, जिस तरह की तेज गेंदबाजी भारत के पास आज की डेट में हो गई है, सचमुच ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रॉफी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर स्पिनर्स को भी मदद मिलती है, दूसरे तीसरे दिन के बाद अच्छा बाउंस मिलता है, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है इंडिया के लिए, और वार्नर ने यह राय कल रखी। इस पर दोस्तों हमने हमारे इंस्टाग्राम पेज mcp.yt पर पोस्ट डाली थी और वार्नर ने उस पोस्ट को लाइक भी किया है, तो डेविड वार्नर ने खुद वो पोस्ट लाइक किया। इसका मतलब यह क्लियर है कि वार्नर ने अपनी राय, अपना प्रपोजल रख दिया है।
आगे बढ़ते हैं नौवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट कल खेला जाएगा पुणे में, सुबह 9:30 बजे से ये मैच शुरू होगा। भारत के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्ट विन मैच है। भारत अगर इस मैच को नहीं जीता तो भारत के पॉइंट कम हो सकते हैं, परसेंटेज इतना डाउन हो जाएगा कि नंबर 2 पर भारत खिसक सकता है और न्यूजीलैंड फिर नंबर 3 पर आ सकता है। तो न्यूजीलैंड को हराना है, पुणे में झंडा गाड़ना है। दसवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। सुनील गावस्कर ने डोमेस्टिक क्रिकेट की और रणजी क्रिकेट की स्थिति पर लेकर अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने बताया, प्लेयर्स अनअवेलेबिलिटी और नीडलेस इंटरनेशनल इवेंट के कारण भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत असर पड़ रहा है। एक जमाना था अगर इंटरनेशनल सीरीज नहीं होती थी तो हर बड़ा खिलाड़ी भारत की डोमेस्टिक लीगों में, चाहे वो रणजी हो चाहे वो शाहीन मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसमें जाकर खेलता था। आजकल ऐसा नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा, कई ऐसे इंटरनेशनल बायलेटरल सीरीज हो रही है जिसकी नीड ही नहीं है और उसमें फिर प्लेयर को झोंक दिया जाता है, जैसे जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के खिलाफ हुई सीरीज। बाकी इस पर आप अपनी राय लिखो। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप बताओ दोस्तों कौन सी खबर आपको अच्छी लगी। ट्रेडिंग होनी चाहिए, ऑक्शन में जाने चाहिए, केएल और रोहित को अपनी राय बताओ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे वाइट